हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज हम बात करने वाले हैं टाटा की टॉप सेलिंग हैचबैक कार टाटा टियागो 2021 के बारे में। अगर इसके वेरिएंट्स की बात की जाए तो इसमें आपको चार वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, XE, XT, XZ और XZ प्लस। अभी लेटेस्ट इसमें XT वेरिएंट का लिमिटेड एडिशन जो है ऐड किया गया है। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो 4,99,000 से स्टार्ट होती है, जिसका टॉप एंड वेरिएंट है 6,95,000 एक्स शोरूम जाता है। अभी आप ये जो वेरिएंट देख रहे हैं XZ प्लस वेरिएंट, जो इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात की जाए तो 6,33,000 एक्स शोरूम प्राइस है और ऑन रोड लखनऊ आपको 7,20,000 का आपको पड़ जाता है। अगर इसको आपको डुअल टोन रूफ में लेना है तो आपको लगभग 10 से 12,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन मिलते हैं, तो आपके लिए जो भी सूटेबल हो आप ले सकते हैं। इसमें आपको 2 साल और 75,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है टाटा की तरफ से। और टाटा टियागो में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑफर किया जाता है, 1.2 लीटर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन जो 1199 सीसी का होता है, जो 85 bhp की पावर देता है और 113 nm का टॉर्क आपको मिल जाता है और लगभग 23 की माइलेज आपको ऑफर मिलती है टाटा टियागो में। और ऊपर से अभी आप गाड़ी को देख रहे होंगे, काफ़ी शार्प लुक्स आपको मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी बेहतरीन है गाड़ी और अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार भी है, बिकॉज इसको ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग में 5-स्टार रेटिंग मिल चुकी है। अभी आप ये गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल देख रहे होंगे, जो कि शार्प लुक्स के साथ आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, क्रोम ट्रीटमेंट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि लुक्स को और भी इन्हेंस कर देता है सामने की तरफ से। और अपनी 4-स्टार रेटिंग की वजह से जो है अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार बन जाती है। इस यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हेलोजन सेटअप मिलता है, हेलोजन लाइट आपको मिल जाती है, कोई प्रोजेक्टर वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है आपको टॉप एंड वेरिएंट में भी। नीचे आपको फॉग लैंप मिलता है जो कि हैलोजन है, और आपको हाउसिंग जो मिलती है वो भी क्रोम ट्रीटमेंट के साथ मिलती है। और अभी आप ये पूरा सेटअप देख रहे हैं, ऊपर की बात की जाए तो वाइपर्स आपको मिल जाते हैं वॉशर के साथ में, और बोनट पे भी आपको काफ़ी कर्व मिल जाते हैं जो कि एरोडायनेमिक फील कराते हैं। और ऐसी कुछ आपको की मिल जाती है, जिसमें लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प का बटन, पीछे टाटा की ब्रांडिंग और फ्लिप की ऑफर की जाती है आपको। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इसमें आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है टाटा की तरफ से। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं टाटा की ब्रांडिंग के साथ में। अगर टायर साइज़ की बात की जाए तो 175/60R15 का आपको टायर साइज मिलता है। वारबीम्स की बात की जाए तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको और वारबीम्स मिलते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ में, जो कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड एंड फोल्डेबल वारबीम मिलते हैं, जो कि लुक्स को और इन्हेंस कर देते हैं। गाड़ी की लेंथ की बात की जाए तो 3.7 मीटर टोटल लेंथ है गाड़ी की, और हाइट की बात की जाए तो 1.5 मीटर आपको हाइट मिलती है। आगे की तरह आपको रियर प्रोफाइल भी बिल्कुल शार्प लुक्स मिलते हैं टाटा टियागो में, पीछे से भी काफ़ी बेहतरीन लगती है टाटा टियागो। गाड़ी की विड्थ की बात की जाए तो 1.6 मीटर टोटल विड्थ है गाड़ी की, तो स्पेसियस केबिन आपको मिल जाता है अंदर। ऐसे कुछ आपको हेलोजन टेल लैंप्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन में आपको टेल लैंप्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर जो है आप डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं टाटा टियागो में। यहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग मिल जाती है, टियागो की बैजिंग दी गई है, उसी के नीचे आपको कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है रिवर्स पार्किंग कैमरे की, ऊपर आपको डिफॉगर, वाइपर, हाई माउंटेड स्टॉप लाइट दिया गया है, तो सब आपको मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट में। ओवरऑल पीछे से काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ ऑफर की जाती है। चलिए बूट खोलते हैं, बूट स्पेस दिखाते हैं आपको। कोई मैग्नेटिक बटन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, की से या आपको अंदर लीवर दिया गया है उससे आपको खोलना रहता है। गाड़ी के बूट स्पेस की बात की जाए तो 242 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है। लोडिंग लिफ्ट आपको थोड़ा ज़्यादा इसमें मिल जाती है देखने को। यहाँ पे स्पेयर व्हील मिल जाता है आपको टूल किट के साथ में, ऊपर पार्सल ट्रे दी गई है जिसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी के मामले में जो है काफ़ी बेहतरीन है गाड़ी। डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं बॉडी कलर्ड। डोर पैनल की बात की जाए तो डुअल टोन कलर में पूरा डोर पैनल दिया गया है, ऐसा कुछ आपको पूरा डोर पैनल मिल जाता है। क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, उसी के बगल में आपको ट्विटर की प्लेसमेंट मिलती है। पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, नीचे आपको स्पीकर एंड बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट मिल जाती है। रियर कैबिन को अभी आप देख रहे हैं, चलिए अंदर बैठते हैं, अंदर से पूरा लेग रूम दिखाते हैं आपको। तो अभी आप ये लेग रूम को देख रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया लेग रूम आपको मिल जाता है अपने सेगमेंट के हिसाब से। यहाँ पे कोई AC वेंट्स वगैरह ऑफर नहीं किए गए हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाता है जिसमें बॉटल वगैरह रख सकते हैं आप। पीछे आपको पार्सल ट्रे दी गई है, दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि फिक्स्ड हैं।
एंड पीछे के पैसेंजर्स को ऐसा दिखता है डैशबोर्ड जो कि ड्यूअल टोन कलर में आपको ऑफर किया गया है। बिल्ड क्वालिटी भी आपको इंटीरियर में काफ़ी बेहतरीन मिलती है। ऊपर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, ऊपर लाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं जो कि LED है। तो इंटीरियर भी काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पे टाटा टियागो में ऑफ़र किया गया है। चलिए बाहर चलते हैं और बाहर चलते हैं फ्रंट कैबिन में और आपको सारे फीचर्स दिखाते हैं। तो यहाँ पे कोई कीलेस एंट्री वगैरह आपको नहीं मिलती है एंड आगे का डोर पैनल भी आपको डुअल टोन कलर में ऑफ़र किया गया है। इनके डोर्स आप जब ओपन करेंगे तो आपको बिल्ड क्वालिटी इसकी फील होगी। यहाँ पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं, क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल्स में जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है, ORBM से रिलेटेड कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, नीचे स्पीकर एंड बोटल लोडर की प्लेसमेंट दी गई है, फैब्रिक एपॉस्टी मिल जाती है आपको टाटा टियागो में, आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं सीट्स को, फील्ड ओपनर बूट ओपनर नीचे दिया गया है। फ्रंट कैबिन को अभी आप देख रहे हैं, चलिए अंदर बैठते हैं, अंदर से पूरा दिखाते हैं आपको स्पेस। टाटा टियागो का पूरा इंटीरियर आप देख रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है टाटा टियागो में। चलिए गाड़ी को ऑन करते हैं। ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जिसमें आपको डिजिटल स्पीडोमीटर टैकोमीटर दिया गया है, बीच में MID दी गई है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, सारी चेक लाइट्स आपको मिल जाती हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ऐसा कुछ स्टेयरिंग आपको मिलता है जिसमें इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल दिए गए हैं, यहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग दी गई है। ऐसे कुछ AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, विजिबिलिटी आप देख रहे होंगे गाड़ी की। फ्रंट सेंटर कंसोल की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सबको सपोर्ट करता है। 8 स्पीकर्स का आपको प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है, 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्यूटर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में। नीचे आपको USB पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, उसी के नीचे स्पेस मिल जाती है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। अभी आप ये 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, हैंडब्रेक मैनुअल आपको मिल जाती है, 2 कप होल्डर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं ग्लव बॉक्स की। तो ऐसा कुछ आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसमें टैबलेट होल्डर भी दिया गया है, कूल ग्लव बॉक्स है ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, आपको कूल ग्लव बॉक्स मिलता है टाटा टियागो में एंड बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी बेहतरीन है गाड़ी। ऊपर आपको वेंटीमीटर दिया गया, इधर यहाँ पे मैनुअल डे नाइट IRV मिल जाता है, इधर आपको वेंटीमीटर नहीं मिलता है, टिकट होल्डर मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो 35 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। चलिए गाड़ी को ऑफ करते हैं, बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो इसमें आपको ABS विद EBD, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक और 2 एयरबैग आपको मिल जाते हैं। कलर ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें आपको ग्रे, सिल्वर, वाइट, ब्लू, रेड ये कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। कंपटीशन की बात की जाए तो मारुति की स्विफ्ट से ये कॉम्पीट करती है। तो ये थी ओवरऑल टाटा टियागो कैसे लेगी आपको, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड स्पेशल थैंक्स टू पुनीत ऑटो मोबाइल दुबग्गा लखनऊ जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए कार से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मैं आज ही इस मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।